एक बेटा ऐसा भी जो हर साल अपने स्वर्गीय पिता की याद में ब्लड कैंप का आयोजन करता है। तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं पानीपत के सनोली रोड से, जहां पर देवेंद्रा भोजनालय में ये ब्लड कैंप लगाया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा यहां पर पहुंचे हैं और मौके पर शहर के कई गणमान्य लोगों के साथ साथ पार्षद लोकेश नागरू भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वहीं बेटे से बातचीत की गई तो बेटे ने बताया कि वो हर साल अपने पिता की याद में ऐसा ब्लड कैंप का आयोजन करता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग बढ़ चढ़कर भाग भी लेने आते हैं। और आज देखने को मिला कि सैकड़ों की संख्या में यहां पर युवा पहुंचे ब्लड देने के लिए। तो आपसे अपील, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अब तक अप्रोक्सीमेटली 200 यूनिट के करीब हम कलेक्ट कर चुके हैं। आज 10 बजे 10:30 बजे के करीब आयोजन शुरू हुआ था ये रक्तदान का। कल जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में लोग सारों की सब मंदिरों में ड्यूटी है, कोई कहीं व्यस्त है। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, लोगों की मात्रा बढ़ती जा रही है। आज मेरे पिताजी की 12वीं पुण्यतिथि है, ये हमारा 10वां ब्लड कैंप है। अब तक हम 10 ब्लड कैंप में 3200 यूनिट के करीब हम रक्त एकत्रित कर चुके हैं, जो आज का अलग रहेगा। वहीं पार्षद लोकेश नागरू ने कहा कि ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि युवाओं को चाहिए कि वो अपने बुजुर्गों की याद में हर साल वो भी ऐसा ब्लड कैंप का आयोजन करते रहे, ताकि यहाँ पर जितना भी रक्त इकट्ठा हो वो बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के काम आ सके। हमारे बड़े चाचा जी के समान स्वर्गीय श्री देवेंद्र कुमार छोकरा जी की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे छोटे भाई तरुण छोकरा ने और उनकी पूरे टीम ने, उनके साथियों समेत, ये 11वां ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और मैं तो हर वर्ष की भांति आज भी मैं देख रहा हूँ कि पहले कुछ 100-200 यूनिट होते हैं और आज जैसा रश और जैसे युवा साथी यहाँ पर उमड़े हुए हैं, उस हिसाब से लगता है कि लगभग आज 500-700 यूनिट कम से कम आज यहाँ पर कलेक्ट होंगे। पानीपत रेड क्रॉस की टीम, दिल्ली से टीम, एक करनाल से हॉस्पिटल से टीम, तीन टीम्स हमारे यहाँ पर ब्लड कलेक्शन के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। और युवाओं का जोश देखकर मेरे को लगता है कि युवा आज अपने इस भारत माँ के लिए समर्पित हुआ है। और एक समय होता था जब माँ बाप भी मना किया करते थे रक्तदान के लिए, लेकिन आज वो समय इतना बड़ा बदलाव आ चुका है, वो इस कारण आ चुका है कि आज का युवा इस प्रकार के अपने बुजुर्गों के नाम पर, उनके पुण्यतिथि पर इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन ब्लड डोनेशन कैंप के कर रहा है, उसका एक बहुत बड़ा एक उदाहरण, बहुत बड़ा एक हमारे को ये अवसर देखने को मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से पूरे शहरवासियों को आप इस आयोजन के उसमें बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बुजुर्गों के नाम पर इस प्रकार का कैंप का आयोजन अवश्य करें, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि जब हमारे जवानों के लिए, ब्लड के लिए हम लोग बहुत दर गदर फिरते हैं और हमारे को वो ब्लड नहीं मिलता। आज इस प्रकार का आयोजन, बहुत सुंदर आयोजन किया, इसके लिए मैं अपने छोटे भाई तरुण को और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का सुंदर आयोजन हमारे इस पानीपत शहर में किया। तो देखा आपने कि कैसे एक बेटे ने अपना बेटा होने का फर्ज निभाया। तो आप इस वीडियो को, इस खबर को लेकर क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।